एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। आज सुबह से ही जनाब आपकी टीवी स्क्रीन पर बहुत सारी हैपनिंग हो रही है और अभी आपको खबरें भी धड़ाधड़ कह लें ना पता लग रही थी और इसके साथ साथ जनाब हमने सोचा कि हम भी थोड़ी सी एंट्री लगा लें अपनी और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें, आपके साथ थोड़ी रिसर्च कर लें, थोड़ी बातें कर लें, फिटनेस की बातें कर लें, चाहे आपकी डाइट की बातें कर लें। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन आगाज में कि टैटूज बनवाने का रुझान बहुत ज्यादा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अभी जो हम टैटूज आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, ऐसे लगता है कि किसी ने सुई धागे के साथ आपकी जिल्द के ऊपर या स्किन के ऊपर कुछ परो दिया है या कुछ कढ़ाई कर दी है। तो जनाब ये हैरतन के टैटू है, ये बिल्कुल कढ़ाई नहीं है और ये जो धागा इस्तेमाल भी नहीं हुआ बल्कि कुछ खास कलर्स के साथ जनाब इसकी मखसूस जो कह लें स्याही है उसकी बदौलत ये टैटूज बनाए गए हैं। अब कढ़ाई सिलाई का रुझान आपको पता है बहुत सारा नहीं है, बहुत सारे लोग अब इस तरह से नहीं करते, लेकिन अगर आप टैटूज को देखें तो जनाब ये एम्ब्रॉयडरी वाले इतने खूबसूरत टैटूज हैं कि आपको हकीकत का गुमान होने लगता है। और ये तमामतर जो टैटूज बनाए गए हैं 3D साख के बना पर जो हैरत अंगेज कढ़ाई की मदद से ये खास उभार की तरह दिखाई देते हैं। 3D टैटूज हैं जनाब और ये कलर्स और मुख्तलिफ इंक्स के जो कॉम्बिनेशन के साथ बनाए गए हैं और ऐसे लग रहा हाथ पे या स्किन पे कढ़ाई हुई है, लेकिन ये कढ़ाई नहीं बल्कि टैटूज हैं। अच्छा जनाब इसके साथ साथ अब हम आपके साथ कुछ बहुत जबरदस्त शेयर करने वाले हैं और वो दुबई के हवाले से कि दुबई में पहले जो अजीमुशान कुरान पार्क का इफ्तिताह किया गया है। ये कुरान पार्क बेसिकली क्या है, इसको इस पार्क के अंदर कुरान पार्क के अंदर कुरान करीम के अंदर जितने मौजूदात हैं, जितने दरख्तों का जिक्र हुआ है उन सब दरख्तों को डिस्प्ले किया गया है और साथ साथ जो उसमें वाकयात और मौजूदात हैं उनको भी दिखाया गया है। इस पार्क की जो एंट्रेंस है वो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है और ये पार्क जो है तमाम तर्ज कह लें मजाहिब हैं या बहुत सारे दीगर लोग जो इस्लाम में इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च पर इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है और इसमें बहुत सारे तरीके से आगाही भी दी गई है लोगों को। जिस तरह से कुरान करीम के अंदर जिन दरख्तों का जिक्र किया गया है वो तमाम दरख्त जो हैं और पौधे जो हैं इनको यहाँ लगाया गया है। 54 के करीब दरख्तों का जिक्र हुआ है तो उसमें से मेजॉरिटी यहाँ पर लगाए गए हैं। अच्छा जनाब इसके साथ साथ वाकयात से मुतल्लिक आगाही दी गई है, एक एयर कंडीशन जो गार भी है इसके अंदर जिसमें तमाम तर चीज़ें उन्होंने एक जो कह लें म्यूजियम की शक्ल में या कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की जाती है। और पार्क में जनाब इस्लामिक गार्डन भी है, बच्चों के लिए जो मखसूस एरियाज हैं, उम्रा कॉर्नर भी है और इसके साथ साथ कुरान मजीद के मौजज़ात का इजहार करते मनाजिर हैं, पहाड़ियां हैं, सहराई बाग हैं, झील है और यहाँ पे एक ट्रैक भी बनाया गया है। ये पार्क जो है अपनी नौयत का पहला पार्क है जिसमें तकरीबन तमाम मौजज़ात जो कुरान करीम में हैं उनके नमूने पेश किए गए हैं और इस पार्क से लोगों को कुरान करीम को समझने में और इसको पढ़ने में बहुत जो कह लें हेल्प भी मिलेगी। 7.4 जनाब मिलियन डॉलर की लागत से ये पार्क तैयार किया गया है और ये पार्क जो है पब्लिक के लिए, इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ना सिर्फ मुसलमान, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जितने लोग रिसर्च में बिलीव करते हैं उनके लिए ये बहुत इंफॉर्मेशन है कि कुरान करीम में जितनी भी चीज़ें हैं, करिश्मे हैं, मौजूदात हैं, उनका यहाँ पर एक कह लें जो एक डेमो दिया गया है या उसको एक अंदाज में पेश किया गया है। तो ये पार्क दुबई में जनाब अपनी नौयत का ये पहला पार्क है, कुरान पार्क है इसका नाम और ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। जी जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और जब हम डिस्कशन की बात करेंगे और आज जब हम आपको ढेर सारी टिप्स देंगे और आज हम बेसिकली बच्चों के हवाले से बात करने वाले हैं कि बच्चों की कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको आज हम केटर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लाइफ कोच हैं डॉक्टर शवाना मुफ्ती, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपसे मेरी बहुत दिनों बाद मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त एंड वाकई बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है एंड यू आर लुकिंग प्रीटी एज ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर शवाना, आज हम बच्चों के किन इश्यूज को लेकर चलेंगे, किन पे बात करेंगे ज्यादा?
एक्चुअली व्हेन यू वर गॉन तो हम लोगों ने एक दो जो शो थे उसमें हमने टीनएजर इश्यूज टीन एज के जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में बात की थी और उसके बाद फिर हमने बात की थी थोड़े से बच्चों के इश्यूज पे. आज हम बात कर लेते हैं जिस तरह से हमने कुछ टॉपिक्स बीच में छोड़ दिए थे बड़े इंपॉर्टेंट थे और उसमें पिछली दफा इनको कॉल आ रही थी तो हमारे पास टाइम नहीं था कि हम उसका जवाब देते. उसमें था कि जी जो बच्चे रात को सोते हुए अपना बेड जो है उस पे पीपी कर देते हैं पेशाब कर देते हैं और उसके बाद माँ बाप जो होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कैसे हमने इस मसले को हल करना है. तो उसके लिए सबसे पहले जो है दिस इज वेरी वेरी कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है क्योंकि माँ बाप बड़े एंग्शियस हो जाते हैं उससे ज्यादा बच्चा एम्बैरस होता है. बच्चे बेचारे को समझ नहीं आती कि ये उसके कंट्रोल में नहीं है और माँ बाप अगर ये समझ ना सकें कि ये उसके कंट्रोल में नहीं है तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है. उसको जाके डांटते हैं उसको बताते हैं कि ये करो लेकिन वो कर नहीं सकता. उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है. इसको कहते हैं जी रात के टाइम पे स्पेशली अगर बच्चा नींद में सोते हुए गहरी नींद में सोते हुए अगर अपना बेड वेट कर लेता है और उसकी पीपी निकल जाती है तो उस ये एक मेडिकल कंडीशन है. इट्स नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल कंडीशन इट्स अ मेडिकल कंडीशन. तो इसमें मेडिकल कंडीशन में होता क्यों है दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों होता है ताकि माँ बाप समझने के बाद उसको ट्रीट कर सके. दो चीजें ये है जी कि ऐसे बच्चों के ऊपर जब मेडिकल स्टडीज की गई तो पता चला कि ये वाले बच्चे आम बच्चों से ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं. इनकी नींद बहुत पक्की और गहरी होती है तो इसका मतलब है कि अगर आप इनको वैसे भी हिला के उठाना चाहें तो वो ज्यादा सो ही रहे होते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा कि आप किसी नए घर में मूव करें आपके आसपास ट्रैफिक बहुत हो तो शुरू शुरू में आपको बॉदर करता है उसके बाद फिर चाहे ट्रेन भी वहां से गुजर रही हो तो आप सो जाते हैं. यू गेट यूज टू इट. हमारा माइंड ऐसा है जो चीजों को यूज टू हो जाता है कंडीशनिंग हो जाती है तो फिर आपके ऊपर अलार्म भी बजता रहे इफ यू वॉन्ट टू स्लीप थ्रू इट यू विल स्लीप थ्रू इट. तो ये वाले बच्चे जो होते हैं मेडिकली दे आर वेरी डीप स्लीपर्स. तो ये दूसरी इनमें ये होती है कि एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH. इसमें कमी होती है उस चीज़ की. वो ADH क्या करता है कि एक नॉर्मल इंसान में एक नॉर्मल बच्चे जिसको ये प्रॉब्लम नहीं होता उसके अंदर अगर आपका ब्लैडर जो पेशाबदानी होती है वो जब भरना शुरू हो जाता है पानी से या फ्लूइड से यूरिन से तो वो आपको सिग्नल भेजता है. जब आपको सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ कि दिस इज द टाइम टू गो टू द बाथरूम टू पीपी तो ये वो वाला हार्मोन जो होता है वो आपको बताता है कि आपने पब्लिक में ऐसे नहीं करना और आपको कंट्रोल में रखता है. लेकिन इन बच्चों में उसकी कमी होती है ADH की मेडिकल कमी होती है. तो उसमें ये वाला जो सिग्नल ब्रेन को पहुंचता है उसमें अगर रात का टाइम है तो वो ADH की कमी की वजह से बच्चा नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर सकता और ब्लैडर टेक ओवर कर लेता है और ब्लैडर फिर वहीं पे जहां पे भी वो सो रहा होता है वो पीपी निकल जाती है. तो ADH की कमी हो गई और बच्चे जो होते हैं डीप स्लीपर्स होते हैं. अब ये दो बातें हो गई. अब इसका करना क्या है. बिल्कुल. सबसे पहले तो ये है जी कि माँ बाप को ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि कभी कभी वो समझते हैं कि साइकोलॉजिकली है नफ्सियाती है इस मेडिकल प्राइमरी जो एन्यूरेसिस जिसे कहते हैं जिसमें रात के टाइम पे बच्चे कर देते हैं वो बच्चे आउटग्रो कर जाते हैं बाय द एज ऑफ 18. अगर आप कुछ ना भी करें तो 95% बच्चे खुद ब खुद इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे बाय द एज दे आर 16-18 ईयर्स ओल्ड. बड़ा लंबा टाइम है वो कहेंगे तो तब तक जो है बच्चे वो पेशाब ही करते रहेंगे बेड के ऊपर. मतलब इस चीज को देखना पड़ेगा आपको. लेकिन अगर कुछ ना भी करो तो 15-16-17 साल की उम्र में ये खुद ब खुद आउटग्रो कर जाते हैं कंडीशन ठीक हो जाती है. लेकिन बहुत सारे केसेस में डॉक्टर वाले नहीं होते तो ये 2-2% केसेस हैं जिसमें नहीं होते. लेकिन दूसरी चीज ये है कि माँ बाप ये गलती करते हैं कि शाम के टाइम बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं कि ज्यादा फ्लूइड्स ना लो पानी मत लो क्योंकि उनको डर होता है कि ज्यादा पानी लेंगे तो ब्लैडर जो है ज्यादा डिस्टेंड हो जाएगा ज्यादा फूल जाएगा तो फिर रात को वो पीपी कर देंगे. गलत करते हैं. हालांकि शाम के टाइम उनको बच्चों को फ्लूइड्स देने चाहिए पानी पिलाना चाहिए ज्यादा देना चाहिए क्योंकि ब्लैडर जो है वो ज्यादा जब फूलेगा तो स्ट्रांग आपको सिग्नल जाएगा ब्रेन को क्योंकि वीक सिग्नल जाता है तो बच्चे पहले डीप स्लीपर हैं. अगर स्ट्रांग सिग्नल जाएगा तो इस कॉल्ड रीट्रेनिंग ऑफ ब्लैडर. तो इसके अंदर जो है ना सिर्फ ये कि एक मेडिसिन होती है जो क्योंकि ADH की कमी है तो ADH जैसी सिंथेटिक मेडिसिन होती है वो भी बच्चों को दे देते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट एक रीट्रेनिंग करते हैं ब्लैडर की कि अगर उनको फ्लूइड्स और ऐसी चीजें शाम के टाइम देंगे और स्ट्रांग सिग्नल ब्रेन को जाएगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि उस स्ट्रांग रीट्रेनिंग करते करते जो है बच्चों जो है वो रात को उठ के बाथरूम चले जाएं बजाय इसके कि बेड पे ही वेट कर दें. दूसरी बात यह है कि एक डायपर मिलता है जिसके अंदर अलार्म बना होता है. अच्छा।
वो मैं अगर किसी को चाहिए हो मेरे नाज़रीन को, तो मैं क्योंकि मैं यूएसए से आती हूँ, तो वो वाली चीज़ें हम लेकर आ सकते हैं उन माँ बाप के लिए जो हमें अप्रोच करते हैं या कंसल्टेशन के लिए आते हैं, ताकि बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाए और माँ बाप की आसान हो जाए। उसमें ये होता है कि वो जो डायपर होता है उस पर अलार्म लगा होता है, वो अलार्म जो होता है वो सेंस करता है वेटनेस को, मॉइस्चर को, कि जैसे कोई गीलापन आएगा वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, और उस अलार्म का इतना हाई वॉल्यूम होता है कि जैसे ही बच्चा पीपी करेगा वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उस अलार्म से अगर माँ बाप दूसरे कमरे में सो रहे हैं तो वो फ़ौरन उठ के आएंगे, बच्चे को आके बताएंगे, उसका फ़ौरन डायपर चेंज कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, ताकि कौन कौन रात को बेड पे गीला रह के सोना चाहता है। लेकिन ये नहीं है कि अलार्म जो है बेसिकली ये रीट्रेनिंग द ब्लैडर, आप ये नहीं कर रहे कि आप उस कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि रीट्रेन कर रहे हैं कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम पे पता चलना शुरू हो जाए और सिग्नल स्ट्रॉन्ग पहुंचना शुरू हो जाए, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो माँ बाप को समझनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा इस कंडीशन में से गुजर रहा है तो आप उसको रीट्रेन कैसे करें, और एक मेडिसिन होती है, और तीसरा बच्चा कभी एम्बेरस ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है उसके कंट्रोल में हैं और लाइफ टाइम फिर उसके अंदर ये चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर हम बच्चों की हेल्थ पे भी बात करें, हेल्थ एजुकेशन पे बात करें, हमारे यहाँ नॉर्मली हेल्थ एजुकेशन तक ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, हम बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि बच्चे को हमने ये चीज़ बतानी है ये नहीं बतानी, किस हद तक ठीक है किस हद तक गलत है? ये इंतहाई गलत है कि बच्चे को ना बताया जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो नॉलेज होता है वो पोटेंशियल पावर होती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को पोटेंशियल पावर नहीं दे रहे, कल को वो जो उसने अप्लाई करना है नॉलेज, वो भी आप उसकी पावर छीन रहे हैं उससे। नॉलेज किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, जब आपको इल्म तालीम मिल रही हो, अपने आप को एक्सपोज करके चीज़ें सीखने को मिल रही हो, ये उसके बच्चे का राइट है। अगर आप उसको नहीं सिखाएंगे, आपके अपनी कोई इनसिक्योरिटी है या आपकी अपनी कोई बचपन की ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टेड हैं रिलीजन की, कल्चर की, ट्रेडिशन की, वो टाइम अब गुजर गया है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को चाहिए कि इवॉल्व हों, आप नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चे या तो अपने साथ वाले बच्चे से पूछेंगे, उस बच्चे का नॉलेज आपसे ज़्यादा है क्या? उसने वही चीज़ सिखा देनी है आपके बच्चे को जो उसने मूवीज से सीखा है या इंटरनेट से सीखा है। आधी इन्फॉर्मेशन गलत होगी बल्कि आधी से ज्यादा, और वही इन्फॉर्मेशन बच्चे लेके आगे चलना शुरू कर देंगे। पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग के लिए बहुत सारी टिप्स डॉक्टर शवाना चाहिए होती हैं। बहुत सारी चीजें कन्वे करने का अंदाज भी होता है पेरेंट्स का, उस पे भी बहुत ज्यादा हमें एजुकेशन की जरूरत है। माँ बाप को तो मैं हमेशा कहती हूँ रेज योर सेल्फ बिफोर यू रेज योर किड्स, तो ये तो हम पिछले तीन शो से मैं उनको यही बता रही हूँ कि अपने आप को इवॉल्व करें, लेकिन माँ बाप अपनी नॉलेज के मुताबिक बता सकते हैं, उनका जो एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, उनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, लेकिन अब ज़माना इतना बदल गया, चीज़ें इतनी आ गई हैं, मूवीज़ इतनी ज़्यादा हैं, हर इन्फॉर्मेशन गूगल पे है, गूगल आपका आधे से ज़्यादा पेरेंट बन गया हुआ है, अच्छी बुरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने खोलनी है वहाँ से पढ़ लेनी है। बच्चों को ये बताएं कि वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें बच्चों को ये अगर प्यूबर्टी की स्टेजेस नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें अगर माँ बाप नहीं बता रहे तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही एजुकेशनल कोर्सेज में बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत आप एक्सप्लिसिट ना हों, आप जाके कोर्सेज में बैठ सकते हैं, स्कूल वाले जो हैं वो प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट ऐसे कोर्सेज बनाएं ताकि अपने बच्चों को आप प्रोटेक्ट कर सकें। जो ट्रॉमा बचपन में, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस अच्छा बुरा बच्चे को मिलता है, इट स्टेज विद देम, वो उनकी पर्सनालिटी को मोल्ड करता है। गलत इन्फॉर्मेशन बच्चे हासिल करते हैं वो क्यूरियस होते हैं, क्यूरोसिटी से बेहतर है कि आप एक एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म दें। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर शमाना, जैसे हम पेरेंट्स की बात करें, उसके बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे रिलक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हेजिटेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से कोई भी बात शेयर करने में, चाहे स्कूल में वो बुली हो रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है। बुलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों की सेल्फ स्टीम के साथ साथ उनके अंदर फॉर द लॉन्गर रन बहुत सारी जो कह लें कमियाँ रह जाती हैं इसकी वजह से। एब्सोल्युटली, बुलिंग तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बच्चे के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर हमेशा से एक इफेक्ट छोड़ देता है। बिल्कुल, और जो आपके कॉन्फिडेंस और जो पर्सनैलिटी आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस बचपन का होता है, वो आप उस बच्चे की शख्सियत से नहीं निकाल सकते। अभी मैं जब मैं ऑफिस में काउंसलिंग करती हूँ, मैं यूथ मेंटोरिंग करती हूँ, तो आधे से ज़्यादा जो है मुझे डिग डीप
बचपन की बातें नीचे से सरफेस से निकाल के ऊपर लानी पड़ती हैं. जब तक मैं उन चीजों को नहीं डील करती, मैं उनके अंडरलाइंग इश्यूज को डील नहीं करती, मैं उनको ट्रीट नहीं कर सकती. वो छुपी हुई बातें होती हैं जो कई घंटे लग जाते हैं ऊपर लाने में. बिल्कुल. तो जो बुलिंग है, सबसे पहले आप देखें कि आजकल तो बुलिंग की भी टाइप्स बदल गई हैं. पहले जमाने में ये होता था जी कि किसी लड़के ने किसी लड़के को कोई छेड़ दिया, कोई बुरी बात कह दी कि तुम्हारा वजन बहुत है, तुम कुछ गाली दे दी, फिजिकल अब्यूज कर दिया, लड़कों ने मिलके किसी लड़के को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, अपना गुस्सा निकाल दिया, लड़कियों ने एक दूसरे को जो तंज करने शुरू कर दिए और उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस पे कुछ कहना शुरू कर दिया कि स्किन देखो, बाल देखो, अपना वजन देखो, कुछ भी इस तरह तंज और तनकीद कर दी. बच्चों के लिए सेल्फ इस्टीम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आप बच्चे को आइसोलेट कर दें कि ये हमने चार लड़कियों का ग्रुप बना लिया, उसमें से एक लड़की को डीलिफ्ट कर दें, उसको आप सोशली आइसोलेट कर दें. ये उसके दिमागी और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक ग्रुप में रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू फील कि हमें इंक्लूड किया जा रहा है. आप एक पार्टी करें और उसमें खासतौर पर एक लड़की या एक लड़के को बाहर रहने दें तो उस बच्चे की शख्सियत बड़ी होती है. वो यही सोचता रहता है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने क्यों निकाल दिया. तो वो ये इसी शख्सियत में उनकी सेल्फ इस्टीम लो, इसी चक्कर में उनकी सेल्फ इस्टीम लो होना शुरू हो जाती है. बुलिंग के लिए आप ये देखें कि आजकल साइबर बुलिंग भी बहुत कॉमन हो गई है. साइबर बुलिंग का मतलब है कि जी आपकी एक पिक्चर ली, खुद तो आपने फिल्टर लगा के कोई प्यारे से सेल्फी ले ली, किसी की कोई बुरी पिक्चर जो है आपने भेज दी और वो फिर आगे से आगे फॉरवर्ड होती गई, इंस्टा पे चली गई, व्हाट्सएप पे चली गई या फेसबुक पे चली गई. एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड में पूरी दुनिया के अंदर वो गलत पिक्चर चली गई. वो बच्ची को पता भी नहीं है कि वो किस किस्म की गलत पिक्चर कहीं पूरे जमाने में चलेगी. और सुबह जो है वो जब स्कूल गई तो उसको पता चला कि वो बेचारी के साथ क्या हो रहा है. तो साइबर बुलिंग जो है इट्स अ वेरी वेरी किलिंग फिनोमिनन बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ इस्टीम के लिए. बुलिंग में सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा जिसके ग्रेड बहुत अच्छे आ रहे थे एकदम वो खामोश हो गया है, अगर वो बहुत चहकने चंचल कोई बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा था, ऑल ऑफ अ सडन उसके बिहेवियर में चेंज आया है, या वो घर आया उसके ग्रेड्स कम होना शुरू हो गए हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते किसी न किसी एक्सक्यूज के साथ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या आज कोई और मसला है, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं. तो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटके जब भी कोई बच्चा काम कर रहा हो तो देखें कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता. उसके क्यों? क्योंकि बच्चे तो बड़े सोशल होते हैं, बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, दे वॉन्ट टू गो टू स्कूल. अगर कोई ऐसा मसला हो रहा है तो फिर जाके पता कीजिए, उनके स्कूल के टीचर से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, उनके बच्चे जो दोस्त हैं उनसे मिलें और पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है. और अगर बच्चा बुली हो रहा है तो उसके साथ बैठ के आप वन ऑन वन डिस्कशन करें कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है. तो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड एटमोसफेयर में रखें. या जो स्कूल के काउंसलर हैं, सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हमारे यहाँ काउंसलर ही नहीं है, ना करियर काउंसलिंग है, ना कोई ऐसे काउंसलर हैं जो जिस तरह हम ये हेल्थ एंड एजुकेशन की बात कर रहे थे कि बच्चों को बता सकें कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल. बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो जिस स्टेजेस में से गुजर रहे हैं उसमें से नॉर्मल क्या है और नॉर्मल क्या नहीं है. माँ बाप को खुद भी नहीं पता होता कि क्या बात किस टाइम पे किस स्टेज पे जाके किस हद तक करनी है, कौन सी चीज बतानी है कौन सी नहीं बतानी. देयर इज सो मच कंफ्यूजन. तो काउंसलर होंगे तो आगे बात बढ़ेगी ना. फिर और काउंसलर्स बहुत ज्यादा लैग भी करते हैं. अच्छा डॉक्टर शवाना, अभी आपने बात की कि बच्चों को अक्सर उनके वेट पर या दीगर चीजों पर बुली किया जाता है, बच्चों की डाइटरी हैबिट्स उन पे भी फोकस होना, बच्चों के वेट पे बात करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये वो वाली एज है जिसमें हम कहते हैं ना कि शादी के बाद, शादी से पहले और एडल्ट जाके आपको सारी उम्र वेट तो हमें तंग करता ही रहता है. ये वो चीज है जो कि हम कहते हैं कि हमेशा किसी और को देख के ना कि उसको हमें खुशी होती है, ये वो चीज है कि आप ले लें हमसे. हम किसी और को मोटा देखेंगे, हम कहेंगे ये ठीक है, हमसे ये चीज ले लो. ये तो लाइफ टाइम स्ट्रगल. लेकिन इस एज में खाली वेट का मसला ये होता है कि हमें चाहिए होती है, ये मैं हमेशा बात करती हूँ ना न्यूरो साइंस की. न्यूरो साइंस में हम कहते हैं बच्चों का जो टीन एज होते हैं खासतौर पे, इनकी एक सोचने समझने की जो सलाहियत होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज़रा कम डेवलप होता है. फ्रंट जो पिछला प्रिमिटिव ब्रेन होता है जिसमें सोशल प्रेशर और रिवॉर्ड सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, वो बहुत उसके जरिए काम करते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं. सो दे आर मोर इमोशनल स्टिमुलस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे. They want to be accepted. मैं और आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट केयर ये बंदे ने मुझे लिफ्ट कराई या नहीं कराई, आई डोंट केयर मुझे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. टीनएजर्स के लिए जब वो आपको आके माँ बाप को फीलिंग्स बताते हैं,
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि माँ बाप समझ लें कि जब टीन एजर या उस एज में जब बच्चा आके आपको फीलिंग बताता है, उसकी फीलिंग को डिसमिस मत कीजिए। उसके लिए वो छोटी सी बात पूरी जिंदगी है। जो चीज़ आप लोग ये कह दें कि यार ये तो दो मिनट की बात है, तुम्हें क्या मसला है, इसको डिसमिस कर दो, उसको आप हवा में उड़ा देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए, उसकी वो छोटी सी फीलिंग पूरी जिंदगी है उसकी, जो आपके लिए ये कुछ माने नहीं रखती। तो उसकी फीलिंग को सबसे पहले वैलिडेट कीजिए, उसकी फीलिंग को समझिए, उसके लेवल पे आके सबसे पहले कहें कि जी हमें समझ आ रही है, उसको फीलिंग दीजिए कि दे आर बीइंग हर्ड, उसको सुना गया है, उसको समझा गया है और उसको डिसमिस नहीं किया गया। ये पहला स्टेप होता है कम्युनिकेशन टूवर्ड्स टीनेजर या उस एज में दे वॉन्ट टू बी वैलिडेटेड कि कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें समझ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है टीनेजर्स के लिए। दूसरी बात ये होती है कि जिस तरह उनका मैंने कहा कि इमोशनल होते हैं, दूसरी बात सोशल, उनका जो सिस्टम होता है लिम्बिक सिस्टम वो बहुत ज़्यादा सोशल रिवॉर्ड के पीछे होता है। सोशल रिवॉर्ड में पेयर प्रेशर भी आ जाता है कि उनका स्टिमुलस जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त यार अपनी एज की वजह से चल रहा होता है कि आई शुड बी एक्सेप्टेड, जिसे कहते हैं ना फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने पार्टी की मुझे नहीं बुलाया तो मैं कहूँगी कि कमीनी बंदी नहीं बुलाया। टीनेजरों के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है कि कैसे मुझे उस पार्टी पे नहीं बुलाया, मुझे जो है लेफ्ट आउट की फीलिंग क्यों हुई। तो ये वाली जो चीजें होती हैं उनकी सेल्फ एस्टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन इज पार्ट ऑफ दैट कि आप दिखते कैसे हैं। अब उसमें मजे की बात यह है कि टीनेज जब तक मोटे होंगे तो एक अलग बात है, अगर वो पतले भी हों और एक सर्टन लुक भी हो उनकी, दे स्टिल समटाइम्स उनको ऐसा हो जाता है कि अगर उनके प्रेशर उठना बैठना या उनके दोस्त उनको लाइक नहीं कर रहे या उनको वो स्टिमुलस नहीं मिल रहा वैलिडेशन का या एक्सेप्टेंस का, दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, दे वांट टू बी लाइक्ड, उनके लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो पतले होके भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। सो वेट इज जस्ट एक्सटर्नल थिंग, जो अंदर का उनका माइंडसेट चल रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो समझना चाहिए माँ बाप को कि कभी कभी पतली लड़कियां भी और वेट कर रही होती हैं, कम एक्सरसाइज कर रही होती हैं, डाइटिंग कर रही होती हैं, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द वेट एक्चुअली, दैट हैज एवरीथिंग टू डू विद द साइकोलॉजिकल थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन देयर बॉडी। इसलिए ये समझना चाहिए, वेट के ऊपर तो मैं थोड़ी सी बात बता देती हूँ आपको, लेकिन कभी कभी बहुत पतली लड़कियां भी अपने आप को मोटा समझ रही होती हैं। उनके नजदीक जो मैगजीन्स के ऊपर मॉडल्स की पिक्चर है, उनके नजदीक ये जो आजकल जीरो साइज टीवी पे एक सर्टन लुक, एक सर्टन चीजें टू फिट इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पूरे घर का माहौल बदलें। अगर बच्चे का वेट थोड़ा ज्यादा है तो आप ये नहीं उस बच्चे को आप ये कहें कि तुम एक, क्योंकि आप शुरू से उसको ये बता देंगे कि वेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उनको ये बताएं कि जी कि पूरे घर ने, अगर आपका वजन ज्यादा है सिर्फ उस बच्चे का नहीं पूरे घर का सिस्टम बदल दें, घर में पूरे लोग डाइटिंग करें, फिर खाली एक बच्चे को नहीं। डाइटिंग का मतलब कि हेल्दी फूड लेकर आए, जंक फूड मत लाएं, पूरा घर फिर अगर उठ के जिम इकट्ठा जाए या सुबह मॉर्निंग वॉक पे, उस बच्चे को आइसोलेट मत कीजिए, बल्कि पूरे घर का सिस्टम बदलना पड़ेगा उस एक बच्चे की मेंटल वेलबींग के लिए। ये माँ बाप होना है तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा ना फिर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शवाना, बहुत शुक्रिया इतनी जबरदस्त टिप्स देने के लिए। होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। डॉक्टर शवाना को हम वक्तन फवक्तन बुलाते रहते हैं, इतनी जबरदस्त बातें करती हैं, लाइफ कोच हैं बेसिकली, तो आपको हर एज ग्रुप के लिए बेहतरीन गाइडेंस होती है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और योगा के हवाले से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह से हम इतनी सारी बातें करें और आपके फिटनेस की बात ना करें। और अच्छा जनाब मैं एक साथ साथ अनाउंस ये कर रही हूँ कि हम नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल करें और आज हम योगा के हवाले से फुल बॉडी वर्कआउट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, पूरी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज को तो आप टारगेट करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फुल बॉडी वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है इस पर हम बात करेंगे और आपकी भी कुछ सवाल हैं उनका भी जवाब देंगे। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वेलकम करते हैं सलाफे नकवी को। वेलकम टू द शो सलाफे, कैसे हैं? थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सलाफे। आज हम फुल बॉडी वर्कआउट डिस्कस करेंगे। फुल बॉडी वर्कआउट इसलिए कि जरा एक तरह से ये बोनस होता है, होता है कि एक स्पेसिफिक आप किसी एरिया को लेकर टारगेट कर रहे हो। और समर्स में हमेशा बताती हूँ जब स्टार्ट होते हैं तो आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप वर्कआउट करो, स्वेटिंग है। बट एक चीज याद रखने वाली है, आपका वेट रिड्यूस 70% जो होता है आपके राइट तरीके से एक्सहेल करने से, यानी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी से बाहर जाती है उससे रिड्यूस होता है, ना कि इतना ज्यादा स्वेटिंग से।
तो इसलिए फुल बॉडी पर बात करेंगे. उसमें ये होगा कि पहले तो हम यहाँ बैठे बैठे कुछ चीजें बताएंगे कि किस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें आपकी फुल बॉडी जो है वो इंगेज होगी. तो पहली चीज तो बहुत इजी है कि आप जहाँ बैठे हुए हो, एक तो हम पहले एक चीज बता भी चुके हैं कि आपने एक अपनी जो नी है वो रेज की और ट्विस्ट कर जाओगे आप अपनी ऑपोजिट साइड पे. एक तो ये है, ये इट्स वेरी कॉमन. एक चीज होती है जिसे हम मार्च करना कहते हैं, वो हम खड़े होकर करते हैं, ये आप बैठ कर करोगे. अच्छा, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, दे विल फील आफ्टर 30 सेकेंड्स के इनको जो कहते हैं बर्निंग होना शुरू हो जाएगी या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा अगर आपके पास डंबल्स हैं या पानी की बॉटल है, आप सिर्फ पानी की बॉटल ले सकते हो. अगर ये भी नहीं है तो सिर्फ आपको अपने हाथ से मूव करना. करना क्या है कि आप थोड़ा सा अपने सोफा के जो एज पर आए, आपने एक लेग रेज की, उसके बाद जैसा डेड लिफ्ट करते हैं आपने बिल्कुल उसको स्ट्रेट नीचे लेकर जाना है, अपना बॉडी वेट जो शिफ्ट करना है. ये अगर आप वेट के बगैर भी कर सकते हो तो भी ये अच्छा है. इसमें ये होगा कि जैसे आप नीचे झुकते हो तो आपका जो पेट है वो टारगेट होता है, जो कई दफा उस पर फैट होता है. आपने वेट पकड़ाया है, आपकी अपर बॉडी टारगेट होगी, और आप साथ ही मूव कर रहे हो तो आपके जो लोअर बॉडी भी टारगेट होगी. अब अगर आप चाहो कि इसी को चेंज करना कि आपको नीचे झुकना मुसीबत लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आपने सिर्फ ये किया, एक लेग रेज की, यहाँ इसको रखा, ये चीज आप कर सकते हो बट स्लोली. ठीक है, ये किया इस तरह से. आपने हर जो जितनी भी चीज बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसको 30 टाइम्स करना है. ये कहने में सिर्फ और सिर्फ है, और दरमियान में रुकना नहीं है. अब बर्निंग हो रही है कुछ भी, आपको इंड्योरेंस बढ़ाने का यही तरीका होता है. हम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो इंड्योरेंस ये होती है कि आप जितना आपको फील हो रहा है उससे कुछ सेकंड्स और ज्यादा आपको आगे जाना है, वहां आपको रुकना नहीं है. अब कुछ चीजें होंगी जो हम अपने मैट पर भी बताएंगे. ठीक है, वो किस तरह से उधर चलते हैं और सलाफे में मैट पर कुछ चीजें भी बता देती हैं. अब यहाँ पर होगा, अब मेरे पास डंबल है, डंबल से हम और क्या कर सकते हैं. स्क्वाट, एक तो मैं आज वॉक भी बताऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिसे क्रैब वॉक कहते हैं. अब इसमें यह है कि आपने क्या किया, डंबल आपने अपने हाथ में पकड़ लिए. पहले तो आपने अपना फेवरेट जो होता है हमारा स्क्वाट, स्क्वाट करने के बाद इसको आपने मूव किया जिस तरह हम बैठ कर कर रहे थे. तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बैठ कर करना चाहें या आप खड़े हुए तब करो. अब होता है लंजेस. लंजेस की सिर्फ आपने पोजीशन में आना है. पोजीशन में आने के बाद जैसे ही आप झुकते हो, झुकने के बाद आपने ये चीज करनी है. इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन आप कम वेट लेकर कर सकते हो. इसमें जैसे ही आप झुके ये और स्ट्रेट, आप ये दोनों लेग से करोगे. दूसरी चीज क्या है, आप हाथ में वेट पकड़ो या ना पकड़ो, सिर्फ आपने लंजेस की पोजीशन में आने के बाद सिर्फ अपना बैलेंस पहले मेंटेन कर ले. वहां आने के बाद हाथ में इसको होल्ड किया, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा. अब कुछ लोग चाहते हैं अगर इस पोजीशन में होल्ड करना तो होल्ड 30 सेकेंड का होगा. अगर चाहते हैं मूव करना है तो ये 30 टाइम्स मूव करेंगे सिर्फ इस तरह से, लेकिन बैलेंस इसमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अब जिसकी वॉक की मैं बात कर रही थी, वॉक है हमारी क्रैब वॉक उसको कहते हैं. क्रैब वॉक यानी कि आप किसी भी मैट है उसकी एज पर आ गए, आपने क्या किया वहां पर झुके स्क्वाट पोजीशन में, आप साइड साइड पर चलोगे, इसलिए इसको क्रैब कहते हैं, बिकॉज क्रैब जो होता है वो इस तरह मूव करता है. तो ये है कि आपकी जो लोअर बॉडी और अपर बॉडी इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपकी एक तो ये कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, दूसरा आप एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इसलिए इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग. अब हमने करना है कि बॉल यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, बॉल के साथ क्या करना है. ये आपका मेंटल बैरियर होगा कि इसको आपने टच नहीं करना. अब यहां पर आपने क्या किया, बॉल दरमियान में रखा, इसके ऊपर से आपको अपनी लेग्स को मूव करना है. यहां ये किस लिए सुलाफ है? अब ये आपके लोअर टमी और जो आपके एब्स का जो एरिया होता है एब्डोमेन के लिए है, और आपकी लोअर बॉडी के लिए, क्योंकि आप अपनी लेग्स को साथ साथ मूव कर रहे हो. तो इसलिए इसमें होगा कि बैलेंस मेंटेन किया ये चीज. अब अगर चाहते हैं कि वार्म अप भी हो और वेट भी रिड्यूस हो, अब आपने 1 मिनट का यहाँ पे जो स्टॉप वॉच होती है वो लगा ली, और आपको करनी इसको बट किक्स कहते हैं. आप इसको मूव करते हो लेग्स को पीछे को, ये चीज. अब अगर आपने इसको और ज्यादा इंटेंस बनाना है तो आप टच करोगे इसको इस तरह से, ये चीज होगी. लेकिन बिगिनर्स इतना इंटेंस नहीं कर सकते. हाँ, बिगिनर्स जो होंगे सिर्फ कोशिश करेंगे यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कि जॉग इन द प्लेस, जिस जगह पर आप हो वहां जॉग करो. कितने सेकंड्स आपको, अब आपको ये 1 मिनट की स्टॉप वॉच लगानी होगी. होगा ये कि आप अपनी स्पीड कम कर लो, वो इतनी तेज मत करो. 3 राउंड्स के अंदर आप इस चीज को करोगे.
अब आता है हमारा एक प्लैंक. प्लैंक में जरा मुझे पता है मुझे आवाज पड़ जाएगी कि ये मुश्किल है. इसमें हमने ये करना होगा कि प्लैंक पोजीशन में आप आओगे या ब्रिज पोजीशन जिसे हम कहते हैं, इसमें आए एंड यू हैव टू टैप. यहां सिर्फ आपने टैप किया. आप थक जाएं तो 1 मिनट तक आपको ये करना है. आप थक जाए, आप नीचे नहीं जा सकते, आपको इस पोजीशन में मूव करना है. जैसे ही दोबारा आप मूव करो 1 मिनट तक, 1 मिनट तक आप मुसलसल इस चीज को करते रहोगे. चाहे जैसे कहते हैं आपको लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है, लेकिन चैलेंज जो ओवरवेट लोग हैं या जिनकी थोड़े वेट का इश्यूज हैं वो इतनी देर नहीं कर पाएंगे. जो ओवरवेट हैं या हाँ, एक चीज उनको रिकमेंड की जाती है कि कभी भी अपने जो कोई भी आपको कहे ना कि आप घुटने तोड़ने वाला वर्कआउट करें वो मत करें. उसमें आप क्या करोगे, आप झुकोगे सिर्फ यहाँ पर. सही, कोशिश करोगे कि यहाँ इसको कोशिश करो कि आप लिफ्ट कर सको हाथ को. उसके बाद स्लोली स्लोली लेग्स होल्ड किया. अब अगर इसी को आप योगा में चाहते हो कि शिफ्ट कर दो, तो इसमें होगा जैसे ही आप अपनी लेग को लिफ्ट करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल. यहां इनहेल एंड एक्सहेल, ये चीज. अब लंजेस भी बता दिए, क्रैब वॉक भी है, और साथ ही आपको वो चीज बता दी कि जहां आपकी जो कार्डियो हेल्थ है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जिसको कहते हैं, वो बेहतर हो. कुछ चीजें होती हैं जो हमें कहा जाता है कि लोअर टमी जो है ना उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है. एक एक्सरसाइज होती है बड़ी आसान होती है, वो वाकई में आसान होती है. आप यहां आओ चाहे इस पोजीशन में या जस्ट लाई डाउन, ये आपकी मर्जी होगी. लेग्स को आप थोड़ा सा स्ट्रेट रखोगे, और इसको हम सिजर्स बोलते हैं. तो आप या तो लाई डाउन, जस्ट लाई डाउन, यहां ये ऑपोजिट लेकर जाते हो. ये लोअर टमी के लिए, यस, ये लोअर टमी को टारगेट करेगा. अगर आप चाहते हो कि आपका जो अपर एब्डोमेन है या अपर टमी जिसे हम कई दफा कहते हैं, अब आम जुबान हम कहेंगे जो ऊपर वाला पेट होता है, उसको टारगेट करने के लिए क्या करना होगा कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर लेकर जाएंगे. सही, यहां पर. और जो नॉर्मल होगा, या आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, दैट्स फाइन. यहां अब बॉल के साथ आपने क्या करना है, बॉल पकड़ा. अब स्लो आप बताने लगे सलाह. अब ये है कि आपकी पूरी बॉडी इसमें इसलिए इन्वॉल्व होगी कि आप स्लोली स्लोली एक स्टेज को क्लियर करोगे. हम अक्सर करते हैं जो क्रंचेस होते हैं या सिटअप जिन्हें कहा जाता है, हम सिटअप या क्रंचेस करेंगे तेज तेज, लेकिन इसमें हम स्लो जाएंगे. कोई भी वेट या कोई भी आसान सी चीज, अगर आपने नहीं भी कोई चीज हाथ में होल्ड करनी, दैट्स फाइन. यहां रहे स्लो. अब कोशिश करें कि जो आपकी रूफ है, आप कोशिश करें कि आप उसको टच कर रहे हो, तो आपने ये मूव करना है. पीछे गए स्लो. अब ये जितना स्लो होता है उतना इंटेंस होता है. चाहे तो आप अपनी लेग पूरी नीचे लगा सकते हैं, या लोग अगर अपने लिए थोड़ा सा और ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं, बिकॉज कंप्लीट उठना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाता है. थोड़ा पीछे गए, सिर्फ ये चीज. अब हमारे लिए जो बड़ा आसान होता है, जैसे मैं रशियन क्रंच कहती हूँ कि बॉल को यूज करते हैं आप क्या कर सकते हो, तो वो रशियन क्रंच होता है. और ये किस लिए होता है और ये कितनी दफा करना है? ये होता है आपके स्पेशली लव हैंडल्स के लिए. जो जो साइड फैट होता है वो नहीं टारगेट हो रहा होता ज्यादातर, तो आप उसको टारगेट करना चाहते हो, वो चीज होगी. और आपका लोअर टमी जाएगा. और एक चीज जो हम कई दफा कहते हैं, एब्स इतनी आसानी से नहीं बनते. राइट टेक्निक हो, अगर आपकी टेक्निक ठीक है ना, तो आप कर सकते हो. अक्सर होता है कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, मैं लेग रेजेस के बारे में भी एक चीज बता दूं. हम लोगों को कहते हैं जब हम लेग रेज कर रहे होते हैं अपनी, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जो बैक है उसमें गैप आ रहा होता है, और वो फिर आप जितनी मर्जी लेग्स ऐसे ऐसे करें उससे कुछ नहीं होगा. बिकॉज आपकी सही बॉडी इंगेज होना बहुत जरूरी है, कि आपकी जो बैक है वो फ्लोर के साथ लगी हुई हो, फिर आपका इतना कंट्रोल आप लेग रेजेस करें. एक और चीज क्लियर कर दी सलाफ, मुझे एक कॉल लेनी है. फौजिया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. जी, मेरा सवाल ये है कि नेक में जो पेन होता है जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए नेक पेन के लिए? जी, नेक पेन. ठीक हो गया, अभी आपको जवाब देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फौजिया. जी सलाफ, नेक पेन, सबसे पहले एक चीज कि आपका पोस्चर इम्पोर्टेंट है. कि आप कहीं भी बैठे हुए हो तो आप इस पोस्चर में बैठेंगे. इवन आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो हम यहाँ होते हैं, इस वजह से नेक के प्रॉब्लम्स बढ़े. बट अगर पेन है, यहाँ सबसे पहले आप हाथ रखो, एक तो टॉवल कोई भी हो या कोई भी फैब्रिक हो आपने पकड़ा, और उससे आप बिल्कुल ऊपर नीचे यहाँ मूव करेंगे, राइट. अगर ज्यादा आपको कहीं चक्कर आ रहे हैं तो आप दीवार के साथ या कहीं बैठ जाओ, ये आप खड़े होकर नहीं करोगे. यहाँ आपने हाथ रखा साइड,
ये तो नॉर्मली होगा, लोग अपने ऑफिसेज में भी थोड़ी देर अक्सर मैंने कहा है कि बैठकर इस तरह का अक्सर मैंने कहा एक चीज याद रखे कि आपको हमेशा जब भी कहीं पेन होता है इंसान अनकॉन्शियसली वही करता है जो उसका क्योर होता है. तो बहुत जगहों पे जब कई दफा हमें होता है हमें नेक में पेन है तो हम यही कर रहे होंगे ज्यादातर, तो ये आपका क्योर है. आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अगर आप खड़े हुए हो बैठे हुए हो तो थोड़ा सा इसको झुकाने के बाद आर्च में ले जाएंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. सही यहाँ तो आपको फील होगा कि एक तो पॉस्चर को सही करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे फिर नेक के इश्यूज काफी हद तक सॉल्व होने शुरू होते हैं. एक चीज मैं बताने वाली थी मुझसे, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता दूं, मुझसे स्प्लिट नहीं होता. हालांकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, बट स्प्लिट नहीं कर पाती. तो हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं होती, ये सही बात है. डेडलिफ्ट बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होती, तो मुझे बहुत ज्यादा लोग फोर्स करते हैं लाइक देखो स्प्लिट नहीं होता तो तुमसे कुछ भी नहीं होता. ऐसा नहीं है, ये याद रहे, मुझे इंजरी भी हो चुकी हुई है इस वजह से. तो अगर कोई एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रही आप स्विच कर जाओ किसी दूसरी एक्सरसाइज में, पर खुद को इस तरह फोर्स नहीं करना. अब बहुत सारे ऐसे लोग जिसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, अब कोई चीज़ योगा में बता दी जाए तो उसमें होगा सिंपल. आप स्ट्रेच में आओगे, सबसे पहले इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. शुरू में आप स्लो स्लो जाओगे 30 सेकंड. किस लिए बता रही हैं? अब ये होगा कि आपकी जो ये अपर बॉडी है और स्पेशली आपके आर्म्स हैं और आपकी जो जिस तरह आप नेक की भी हम बात कर रहे थे तो इसी तरह आपकी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अच्छी होती है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आप टोनिंग की तरफ जाते हो. तो इसमें होगा 30 सेकंड तक आप थोड़ा सा स्लो रहेंगे. पीछे गए तो यहाँ इनहेल, वापस आए एक्सहेल. अब जैसे ही आपने थोड़ा 30 सेकंड गुजरे या आपको लग रहा है कि बॉडी जो है वार्म अप की तरफ जा रही है, तब आपने थोड़ा सा इसको स्पीड से आपको करना होगा. जहां आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है तो अपने पास कोई सहारा या कोई चीज रखें, क्योंकि मैं नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए बताती हूँ जो अगर जिम नहीं भी जा सकते तो घर पर कर, वो घर पर वर्कआउट कर सकते हैं. योगा का पर्पस हरगिज आपका वेट कम करना नहीं है, या आपको बहुत सारी टिप्स देने का पर्पस ये होता है कि आप फुल बॉडी वर्कआउट करें, चाहे किसी भी तरह का योगा करें, लेकिन आप फिट हेल्दी और फ्रेश रहें. आपकी स्किन भी अच्छी होती है योगा से. बिल्कुल, ये तो है, स्किन आपकी अच्छी होती है क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा होता है. हाँ. बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं जब कई दफा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक ना हो तब भी आपकी स्किन पर आ रहा होता है. तो योगा ये है कि जब आपका सर्कुलेशन ब्लड की प्रॉपर होगी तो कई दफा होता है कि आपको मेकअप की भी इतनी जरूरत नहीं रहती, तो हम खर्चा भी बचा रहे हैं लोगों का. अच्छा, अब कुछ चीज़ों में भी बहुत महंगा हो गया, महंगा बहुत हो गया है. अब ये होगा कि अब आएंगे हम थोड़ी सी एक और इंटेंस चीज पे जो कि एक वॉक होगी. उससे पहले मैं बताऊंगी साइड रेजेस जो है लेग को. वॉक किस लिए? अब ये वॉक होगी फुल बॉडी वर्कआउट, जिससे हम प्लैंक करते हैं वो होगा, प्लैंक में हम वॉक करेंगे, और स्लो आप बर्पी भी इसको कह सकते हो. बट उससे पहले एक रेज होगा. आपने क्या किया, अपने हाथों को या तो यहां रख लो, यहां रख लो, या साथ कोई सहारा ले ले, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी लेग जो है वो रेज करनी है. रेज की अब कोशिश करें कि फ्लोर पर इसको प्रॉपर नहीं रखना, अगर प्रॉपर रखा तो वो जो मसल इंगेज हुआ है वो खत्म होगी वो चीज. तो आपने सिर्फ इसको रखा और लाइट इसको यहां रखा ताकि ये फुल आपकी जो लोअर बॉडी है ये इंगेज रहे आपके साथ. 30 किक्स इस साइड पर होंगी, 30 इस साइड पे होंगी. अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आसान इसमें ये होगा कि थोड़ा सा आपने स्क्वाट या आप 90 की पोजीशन में गए हैं या नहीं गए, जितना आसान है इसमें गए एंड सामने या तो किक कर दी या नी रेज कर दी, जो आपको आसान लगे. अब थोड़ा सा हम इंटेंस पर आ जाते हैं. उसमें ये होगा कि आपने इसको वॉक करना है. जो बिगिनर्स होंगे वो किस तरह से करेंगे कि अपनी आपने नी पहले नीचे लगा लो. अब यहां आप आए, वॉक किया, इस पोजिशन में आ गए, वापस यहां और खड़े हो गए. ठीक, अब जो होगा, जो हम जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा खुद को चैलेंज करें, तो उसमें यह होगा कि आप अपनी नी नीचे नहीं लगाएंगे, सीधा आप वॉक करोगे अपने हाथों पे. यहां वॉक किया, सीधा यहां चले गए, अब वापस यहां. अगर आप कहते हो कि स्लो बर्पी, इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप खड़े होते हो तो आपने यहां हाथ अपने ऊपर करने होते हैं या आपने एक जंप करना होता है, तो आपकी फुल बॉडी जो होती है उसमें इन्वॉल्व होती है. लेकिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करने से पहले जिसमें आप अपने हाथों पे बहुत वेट आ रहा होता है या कुछ भी हो रहा हो, तो अपने हाथों को पहले रोटेट कर लेना बहुत जरूरी है. वार्म डाउन बहुत ज्यादा जरूरी है. एक चीज है, गर्मियां हैं तो बहुत सारे जिम्स और सर्दियों में भी एसी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, ओवर एक्सर्ट हो रहे हो तो स्वेटिंग हो रही है. लेकिन रिमेम्बर, ये बीमार होने के भी दिन होते हैं. हम एक्सरसाइज करते हैं और फौरन जिम से बाहर, या घर पे भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फौरन आपने शावर ले लिया, आपकी बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन होने में टाइम चाहिए होता है. तो पहले तो आप वार्म डाउन करेंगे, चाहे आप उसमें क्या करो कि चाइल्ड पोज बेशक कर लो,
चाइल्ड पोज कर लो या सिंपल ब्रीथ कर लो. इनहेल फॉर वन मिनट, एक्सहेल, या सिंपल अपने हाथों पे या तो आ जाओ या यहाँ पर आपने चाइल्ड पोज में चले जाओगे तो ये आपका वार्म डाउन होगा. ये बहुत अहम होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है सब कुछ नॉर्मल हो. लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी बहुत देर तक इस मोड में रहती है कि आपकी कैलोरीज बर्न कर सके. बट अगर आपकी टेक्निक, आपके एक्सरसाइज और सेट्स बड़े प्रॉपर हों तो एक एक्सरसाइज बता देते हैं जो कि साइड फैट के लिए होती है, लेकिन चूंकि आप पूरा मूव कर रहे होते तो आपकी फुल बॉडी इसमें आ जाएगी. अब ये होगा कि आपने क्या किया, इसकी दो वेरिएशन है. हील टच करने की कोशिश है करनी नहीं बता रही आपसे. अब ये होगा आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी. अब इसमें होगा कि आपने इसको ऐसे टच किया, कोशिश करें ये एक दफा टच करने के बाद चेंज टैप चेंज राइट. अब एक होगा साइड पर, आप उठते हो पूरा और साइड पर उठकर. एक होता है बिल्कुल हम लोअर साइड पे करते, ये लोअर नहीं है, प्रॉपर सामने उठे साइड पे टच किया, टच सामने उठे, इंटेंस बनाना है, पंच एंड साइड. तो फिर जितनी तेजी से आप बता रही है ना किसी को कुछ समझ नहीं आएगा. तो इसमें योगा क्या, सिंपल पहले सामने, हाँ, सामने यहाँ, हाँ, उसके बाद साइड साइड उठना है. मैं ये कह रही थी इसमें मैं बताती हूँ कि हम करते हैं इसको एक लोअर लेवल पर. लोअर लेवल होता है ये वाला, हाँ, यहाँ ये नहीं करना अभी. इसमें यह है कि प्रॉपर सामने उठे यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर. इसी को अगर आगे लेकर मजीद जाना चाहते हैं, योगा 30 रेपिटेशन होंगी इसकी, उससे पहले आपने रुकना नहीं है. और अगर इसको मजीद आप चैलेंजिंग बनाना चाहते हो तो पिस्टल हैंड्स या तो लॉक वापस आए सामने, शाटिका वाले थोड़ा सा इसमें एहतियात करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज जो जर्क लगा दी या बिल्कुल आगे को झुकना होता है उनके लिए वो ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता. ये आप ख्याल रखेंगे थोड़ा इन चीजों का. अच्छा सलाफ से स्किन के लिए भी कुछ बता दें, स्किन के लिए, फेस के लिए, आपकी डबल चिन और ये आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट करने के लिए. अब एक होगा स्किन के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी और आपके जो जॉ लाइन वगैरह को प्रॉपर करने के लिए एक योगा का एक स्टेप होगा. उसमें होता है कि सबसे पहले आपने अपने जो पिस्टल हैंड हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने अपने नॉस्टल पर हाथ रखा, इनहेल किया. अब थोड़ा सा फेस को बल्कि बनाएंगे खुद से, ब्लो करते हैं जिस तरह यहां रुके एंड एक्सहेल अगेन, इनहेल सांस रोका एक्सहेल. अब जहां तक आती जॉ लाइन की, तो एक चीज है पिस्टल हैंड्स ही है, पहले सबसे पहले एक मूवमेंट ये होगी. अब यहां जहां आपको पता चले स्ट्रेन आता है वहां आपने खुद को रखना है ये. और एक जो हम हमेशा कहते हैं फिश पाउट इसको कहते हैं, वो ये फेस होता है. रिलीज है, ये 30 टाइम्स आप करोगे रिलीज ये चीज, या यहां ही हाथ रख के इसको थोड़ा सा लिफ्ट करें क्योंकि हमें आदत नहीं होती. इससे जो होता है हमारी चीफ चीजें चिजल्ड चीफ, जिनको शौक होता है कि हमारी चीफ जो है वो चिजल्ड होनी चाहिए, या राउंड फेस है ना तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें कट आए. तो एक तो ये कि आपने यहां हाथ रखा, पाउट फेस भी कर सकते हो यहाँ पे, हाँ हम साथ साथ कर रहे हैं, और ये या यहाँ पे रखा हुआ हाथ तो कुछ देर क्योंकि हमें लिफ्ट कर लगा कुछ और ही है, आपकी ऑलरेडी चिजल्ड है तो जो वैसे मजीद अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं. ये एक चीज हो सकती है, या एक नाक पतला करने का तरीका. अच्छा ये वाकई है, जल्दी बता दो. अच्छा ये वाकई में है, हम जो कहेंगे अपना चले जी नाक पतला होना चाहिए. अच्छा एक चीज बता देते हैं, बच्चों का नोज है ना, तो यहाँ पे होता है इसको यहाँ सिर्फ आप मसाज करने के बाद जो आपका मिड है ना उसको यहाँ ले जाओ, ठीक, यहाँ 30 टाइम्स या 30 सेकंड तक इसको 2-3 दफा दोहराओ, ठीक. ये चीज होगी पर ऐसे तो आसान तरीका, आप अक्सर सोशल मीडिया पे एड्स भी आ रहे होते हैं आपको, वो लगाएं ये लगाएं वो लगा ले कोई लिप लगा ले थोड़े और नाक बंद, वरना कंटूरिंग जिंदाबाद. लेकिन एक ये कि कॉम्प्लेक्स में किसी और. अच्छा बहुत सारे लोगों को ना गलतफहमी हो जाती है कि हमारे नाक बहुत पतले, हम कंटूर करते हैं. मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो सबने जाहिर एक मेकअप होता है, स्किन की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है. वैसे नाक नो बडी इज परफेक्ट, लोग कहते हैं कि शायद जो बैठे होते हैं वो परफेक्ट होते हैं. लेकिन एक चीज, एक तो एक्सरसाइज की बात भी कर ले, स्टेमिना डेवलप करना बड़ा जरूरी है, फिटनेस एक लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, और इसके लिए
प्रॉपर करना है। मेरे ख्याल से आप जैसे ही उसमें बहुत खूबसूरत हैं, बस अपने आप को अच्छे से कैरी करें, अपने मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए लोगों को। अच्छे से कैरी करें, अपने आप को खुश रहे, सबसे अच्छा और आपकी खूबसूरती का राज यही है, खुश रहे और दूसरों को खुदा का नाम है खुश रहे। ये बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। आप हमने ज्वाइन किया, इतनी जबरदस्त टिप्स बताई, और जनाब कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।